ये देखिए हमारे पास सेम कॉल है, ये देखिए सेम कॉल फेबिकॉल है, ये बुट केयर है, देखिए ये हमारा, देखिए सेम कॉल कंपनी का, देखिए ये फेबिकॉल है। तो इसमें जो टोकन होता है उसको कैसे स्कैन करते हैं, जो इसका जो ऐप है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आईडी बनाते हैं, वो सब डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो उससे पहले आप सब नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम कॉल का जो टोकन, ये देखिए हमारे पास ये सेम कॉल वुड केयर का ये क्या पड़ा हुआ है, देखिए कारपेंटर वाउचर पॉइंट टोकन पड़ा है। तो इस टोकन को कैसे स्कैन करते हैं, इस टोकन को कैसे बैंक अकाउंट में, इस टोकन के पॉइंट को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस टोकन को कहाँ स्कैन करना है, कौन सी एप्लीकेशन से स्कैन करना, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप सब नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो आपने ये जो अपना सेम कॉल का जो ये टोकन है, जो ये वाउचर पॉइंट है, इसको स्कैन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके जो ये सेम कॉल है इसका वुड केयर जो आपका ऐप रहता है उसको इंस्टॉल करके उस पर आईडी बनानी होगी, उस पर आपको बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना होगा, तभी इस वाउचर टोकन को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का टोकन रहता है, अगर आपके पास अगर आप कारपेंटर है तो आप सेम कॉल का फेबिकॉल यूज़ करते हैं, तो इस टोकन को कैसे स्कैन करना है वो आप लोग जान सकते हैं हमारी इस वीडियो में, और इस पॉइंट को कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना वो भी आप लोगों को सारा हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सब नए हैं तो उससे पहले क्या करना, आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।